तो फ्रेंड्स, पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले एक ऐसा कुकर ले लिया मैंने, प्रेशर कुकर है। इसके नीचे गैस ऑन कर लेता हूँ मैं। तो मैंने गैस ऑन कर दिया। और जब तक कुकर गर्म हो रहा है, थोड़ा रिफाइंड डाल देंगे इसके अंदर हम। इसको हम कुक रिफाइंड में करेंगे और फ्लेवर इसको बटर से देंगे हम, दोनों चीज़ें यूज़ होंगी। तो रिफाइंड डाल दिया मैंने, एक टेबल स्पून के आसपास है। गैस मीडियम रखनी है, ना फुल पे रखनी है ना लो। तो अब रिफाइंड गर्म होने वाला हमारा। अब हम 1/4 चम्मच के आसपास जीरा लेंगे, इसमें डाल देंगे। और अभी से इसकी चटकने की आवाज़ आ गई है क्योंकि तेल गर्म हो चुका है हमारा अच्छे से। अब साथ में इसके अंदर पाव भाजी मसाला डाल देंगे, ये भी 1/4 चम्मच है। और ये मसाला जले ना, इसलिए हम फटाफट ही इसमें टमाटर डाल देंगे। ये 3 मीडियम साइज के टमाटर थे, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया क्योंकि मैश करने में आसानी होगी। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला इसके साथ अच्छे से हो जाए कवर। अब इसको हम देते हैं थोड़ा सा, तो हमारे टमाटर अच्छे से इसमें थोड़े कुक हो चुके हैं। अब इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे हम। ये मैंने गाजर ली है, 3 गाजर हैं ये बारीक कटी हुई। 1 कटोरी मटर है, ये कच्चे मटर हैं अभी। आलू लिए मैंने, 6 छोटे आलू लिए हैं। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 3 काफ़ी हैं आपके लिए। तो हम इन सब्जियों को इसके अंदर डाल देते हैं। तो मैं फटाफट से डाल लेता हूँ। तो मैंने सारी सब्जियाँ इसमें डाल दी हैं। अब सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम ताकि जो मसाले की लेयर है वो इनके ऊपर हो जाए और मसाला नीचे जले ना। तो फ्रेंड्स, सबसे इजी मेथड से बताऊंगा मैं आपको पाव भाजी बनाना आज। तो इसको अच्छे से हमें मिक्स करते रहना, स्टर करना। अब हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे इसके अंदर। नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत बाद में जब तड़का लगाएंगे तब भी हम इसमें नमक डालेंगे, और जो बटर यूज़ करेंगे उसमें भी नमक होगा। मक्खन नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि मक्खन में नमक नहीं होता पहले से। तो इसको भी मिक्स कर लेते हैं, नमक को भी। तो फ्रेंड्स, इसमें सारा खेल इसको मिक्स करने का ही है क्योंकि मिक्स करते रहेंगे तो सब्जियां अच्छे से गलेंगी थोड़ी, और फिर बाद में जब तड़का लगा देंगे तो हमें मैश करने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। इसको हमें पोटैटो मैशर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो इसमें 2 कप पानी डालेंगे हम, 1/2 लीटर पानी यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये जो 1 कप होता है 250 ml का होता है, तो 2 कप डाले तो 500 ml यानी 1/2 लीटर।
और पानी को में अच्छे से इनको स्टोर कर लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे इसके ऊपर। तो ढक्कन लगाने से पहले हमें इसकी सीटी निकाल लेनी है, क्योंकि अगर हम गैस ऑन रखेंगे और ढक्कन लगा देंगे तो फिर जो ढक्कन है वो उछल के आपके मुंह पे आ सकता है और वो रिस्क है बहुत तगड़ा। तो इसकी सीटी निकाल देनी है हमें, उसके बाद ढक्कन लगाना है। तो मैंने ढक्कन लगा दिया अब इसका, और इसको लॉक कर देंगे ढक्कन को। अब सीटी लगा देंगे हम। अब इसको फुल गैस पे 2 सीटियां लगने देना हमें। तो फ्रेंड्स इसको 2 सीटियां लग चुकी हैं। अब हम इसको सिम गैस पे ऑन देंगे 2-3 मिनट के लिए, तब तक कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने एक ऐसी कढ़ाई ले ली है, इसका बेस काफ़ी चौड़ा है क्योंकि जो तवा होता है स्ट्रीट फूड में जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास है नहीं, इसका काफ़ी सरफेस एरिया होता है। तो 1.5 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। अब हमने थोड़ा सा इसलिए डाला अभी क्योंकि रिफाइंड, ताकि जो बटर डालेंगे वो जले ना। अब इसमें 3 चम्मच बटर डाल देंगे हम। तो आप देख सकते हैं अब बटर हमारा बिल्कुल भी जलेगा नहीं और फ्लेवर का फ्लेवर आएगा। गैस हम अभी मीडियम या आप सिम रख सकते हैं अगर आपका बर्नर तेज है तो। इतना काफ़ी रहेगा, अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा और यूज़ कर सकते हैं। तो गैस हमने मीडियम कर दी है। अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। ये मैंने 1.5 बड़ी शिमला मिर्च ली है, महीन काट ली है बिल्कुल, यानी बारीक काट ली है। साथ में 3 बारीक कटे हुए प्याज ले लेंगे, ये भी महीन कटे हैं। और इसको अच्छे से भूनना हमें, ताकि जो प्याज का पसीना है वो अच्छे से सोख हो जाए, यानी वेपोरेट हो जाए थोड़ा। प्याज को हमें कोई गोल्डन ब्राउन नहीं करना, कुछ नहीं करना हमें, बस उसका पसीना सोखना। तो हमें इसको कंटिन्यूसली स्टोर करना है, मिक्स करते रहेंगे तो अच्छे से होएगा ये हर तरफ से, ताकि प्याज और शिमला मिर्च भून जाए। 2 से 3 मिनट करना हमें ऐसे। साथ में इसमें नमक डालेंगे थोड़ा हम। अभी भी 1 से 1.25 चम्मच डाला मैंने, अभी भी कम डालेंगे क्योंकि बटर में नमक था। अब हम 2 चम्मच पाव भाजी मसाला लेंगे, आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक चम्मच देगी मिर्च लेंगे, आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। अगर आप अपने पाव भाजी को यानी पाव की भाजी को नेचुरल बनाना चाहते हैं तो आप देगी मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करें, आप फूड कलर ना यूज़ करें। ये फूड कलर आपको पता हार्मफुल होता है, जो हमने मार्केट से देते हैं वो वाला हार्मफुल होता है। अगर आप खुद नेचुरल बनाते हैं तो वो अलग होता है उसका टेस्ट। अब इसमें 1 चम्मच के आसपास कसूरी मेथी डाल देंगे हम,
हाथों में ऐसे मसल के हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने मीडियम रखी थी तो ये जल नहीं रहा है। और अब इसमें धनिया डाल देंगे हम फ्रेश, 1 चम्मच या 1.5 चम्मच फ्रेश धनिया लिया मैंने बिल्कुल। और ज़्यादा भी डालें तो टेस्ट अच्छा आएगा। अभी इसमें हम 100 ml या 150 ml पानी का डाल देंगे। आप देख सकते हैं अभी से ही बॉयल आना शुरू हो गया है। पानी हमें ज़्यादा इसलिए डालना है क्योंकि जो हमने कुकर में बॉईल करी सब्जी हम वो पानी यूज़ कर लेंगे। ज़्यादा पानी करेंगे तो फिर मैश करने में प्रॉब्लम होगी हमें। अब हम अपना कुकर खोल लेते हैं, वो हो चुका है। अब आप देख सकते हैं आलू मटर की सब्जी बन गई हमारी, मतलब अच्छे से हो चुकी है। इसमें हम पलट देंगे अपनी कढ़ाई के अंदर सारी सब्जियाँ। तो ये अभी से इसमें खुशबू आ रही है, मतलब देखने में टेस्टी लग रहा, रुका नहीं जा रहा। अब हमें गैस फुल कर लेनी है और इसमें बॉयल आन देंगे हम, ताकि जो थोड़ा पानी है वो एवेपोरेट हो जाए और सब्जियां मैश करने में आसानी हो जाए। तो आप देख सकते हैं बॉयल आ चुका है। हमें करछी से प्रेस करते करते मिलाना है, पहले हम नॉर्मल मिक्स कर रहे थे, अब हमें थोड़ा जोर लगा के करना है। इससे जो हमारी सब्जी है वो अच्छे से मैश हो जाएंगी। वैसे हम बॉईल कर चुके हैं तो वो पहले ही थोड़ी नरम हो चुकी है। अब हमें पोटैटो मैशर से 1/2 घंटा नहीं लगाना पड़ेगा, करछी से ही हो जाएगा ये। तो अभी काफी हद तक होने भी लग गई है ये। मैं दूसरी कड़छी ले लेता हूँ। तो इसको खट्टा मीठा बनाने के लिए हमने इसमें नींबू का रस नहीं डाला था, तो मैं एक ढक्कन डाल देता हूँ, यानी 1/2 नींबू का रस है ये और 1/2 चम्मच है ये। मैंने जो यूज़ करते हैं स्ट्रीट फूड के लिए वैसे वाला ले लिया है कड़छी, तो इससे प्रेस करने में इजी हो जाएगा और मैश हो जाएगा। और आप देख सकते हैं पानी का लेवल काफ़ी कम हो चुका है, तो हमें पानी थोड़ा ही चाहिए। अगर सारा पानी सोख भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बाद में डालना ही है पानी इसमें थोड़ा। तो आप देख सकते हैं आलू की वजह से बाइंडिंग हो रही है, तो सारी सब्जियाँ बीच में आ रही हैं, जिससे ईजिली हो जाएगा हमारा मैश। तो किसी कपड़े की मदद से कढ़ाई को पकड़ ले। तो इसको अच्छे से करते हैं मैश, तो मैं एक बार कर लेता हूँ मैश। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से मैश हो गई है ये, कोई भी सब्जी हमारे पास साबुत नहीं बची इसमें। आप देख सकते हैं अभी गाढ़ी है ये। तो सर्व करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे कि जो पाव है वो उसके पाव जो हमारी होगी वो भाजी को सोक कर ले अपने, उसमें फ्लेवर आ जाए। तो कढ़ाई को उठा के तवा रख लेते हैं एक हम। तो मैंने एक ऐसा तवा गर्म कर लिया जो घर में नॉर्मल रोटी के लिए यूज़ करते हैं हम। बटर लिया मैंने 1 चम्मच या 1/2 चम्मच। इसको पिघला लेते हैं एक बार, गैस सिम रखनी है हमें। एक छोटा चम्मच हम पाव भाजी का डाल देंगे अपनी, ताकि हमारे पाव में भी भाजी का टेस्ट आ जाए पूरा। धनिया डालेंगे थोड़ा सा, इसको मिक्स कर लेते हैं।
और ये मैंने दो पाव के पीस लिए और इनको बीच में से काट लिया। अब ऐसे हम फैला लेंगे इनको बीच में से, और इसके ऊपर ऐसे घुमा लेंगे हम। और आप देख सकते हैं हमारी भाजी भी लग चुकी है, और नीचे से भी इसको कर लेंगे हम। और ये रेडी हो चुका है हमारा। भाजी में सर्व करने से पहले थोड़ा सा पानी और डाल लेंगे हम, उसे कंसिस्टेंसी थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी वाटरी होनी चाहिए। ताकि भाजी जो पाव में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।